Hello everyone. Good morning to everyone and welcome to Unacademy, India's largest learning platform, and let's crack UPSC CSE General Studies. आज का हमारा टॉपिक होगा आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ इंडिया. कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल हैं? आप जल्दी से जुड़ जाएं बच्चा पार्टी. I'm waiting for you. अगर आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और आपको प्री प्लस मेंस का जो है आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा. आपका एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारा कोर्स कराया जाएगा. आपके लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं. और एक ही सब्सक्रिप्शन से आप जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके पास सभी अपडेटेड कोर्सेज का जो है एक्सेस रहेगा. आप उन्हें देख सकते हैं. Unacademy Learning ऐप को डाउनलोड करें. अगर आप कोई भी फ्री कोर्स यहां पर देखना चाहते हैं तो किरण वन रेफरल कोड आप अप्लाई करें अदर देन सब्सक्रिप्शन के थ्रू. ठीक है, दिस इज अबाउट मी. ये Unacademy किरण IAS एजुकेटर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करें. दिस इज माई Unacademy प्रोफाइल, मुझे यहाँ पर फॉलो करें. ठीक है, और दिस इज अबाउट मी, माई सेल्फ इज किरण एंड आई एम टू टाइम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू विद पोलिटिकल साइंस एंड IR, हैविंग एक्सेलेंट कमांड ऑन राइटिंग स्किल, 5 years teaching experience, and there are 100 plus top educators here for you to guide you. So go for the subscription and take the benefit of these oceans of knowledge. They will guide you, they will provide you life changing directions in achieving your dream job, civil services, right guys? ठीक है, और नेक्स्ट लेवल हम पहुंचते हैं कोर्सेज की. हम अगर बात करें Unacademy पर, आपके लिए देखो इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की लेकर जाएंगे. ठीक है, बेसिक्स यहाँ पर कैसे है, एनसीईआरटी की समरी जो कि बहुत ही बेसिक बुक मानी जाती है यूपीएससी की तैयारी में. आपको एनसीईआरटी की बुक्स को की जो है समरी दी जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा. ऑप्शनल कोर्सेज होंगे आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, राइटिंग, ठीक है, और प्रैक्टिस स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग यू विल गेट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म. आपको अलग अलग जो है यहाँ पर ना पेमेंट का झंझट है. एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप जो है जिस भी कोर्स के लिए आप जाएंगे, ठीक है, वो कोर्स आपको यहाँ पर अनलिमिटेड मिलेंगे. अगर आप जनरल स्टडीज के लिए प्री प्लस मेन्स के लिए Unacademy ज्वाइन करना चाहते हैं तो दो प्लान है यहाँ पर, प्लस और आइकॉनिक. ठीक है, प्लस कोर्स जो कि 1 month से लेकर 3 साल के लिए अवेलेबल है. आप EMI के थ्रू भी जो है यहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं और मेरे रेफरल कोड से आपको 10% ऑफ हो जाएगा. इसके अलावा अगर आप Unacademy एजुकेटर ऐप पर कोई भी फ्री कोर्स किसी भी एडुकेटर का देखना चाहते हैं तो फ्री कोर्स को अनलॉक करने के लिए भी आप मेरा कोड जो है यहाँ पर लगा सकते हैं. आइकॉनिक कोर्स जो कि 1, 2, 3 साल के लिए आप जस्ट आफ्टर 12th के बाद भी अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे, और ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव होगा. आप इसके लिए जाइए, राइट. आप EMI यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी जो है ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट है, यहाँ पर आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइडेड होंगे जो आपका मेंस आंसर प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी स्टडी प्लान करेंगे और आपको पर्सनल फीडबैक भी यहाँ पर देंगे. ये आपके लिए ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान है, GS के लिए और ऑप्शनल अलग अलग है अब, और 10% ऑफ तो हो ही जाएगा बहुत टाइम ड्यूरेशन के लिए. यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनकेस अगर आपको ऑप्शनल को चेंज करने में या समझने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. क्यों? क्योंकि जितने भी 33 सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी में उन सब की एक्सेस आपको रहेगी. आपको जियो समझ नहीं आ रहा है, आपको सोशियो समझ में नहीं आ रहा, आपको हिस्ट्री समझ आ रहा है या आपको पॉलिटिकल साइंस IR समझ में आ रहा है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी ऑप्शनल यहाँ पर पढ़ सकते हैं. डेमो वीडियोस होंगे, आप डेमो ले सकते हैं, आप उसी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिक्कत होने वाली नहीं होती है
जैसे आपको ऑफलाइन में होता है, मान लो आपने सोशियो में एडमिशन ले लिया तो सोशियो ही आपको पढ़ाया जा रहा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है दूसरे ऑप्शनल की तरफ जाने का, इन केस अगर आपको जो है लगता है कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, सारे ऑप्शनल की एक्सेस रहेगी। अगर आप चेंज करना चाहे 2-4 दिन के बाद तो आप चेंज कर सकते हैं, विद इन वीक जब भी आपका मन चाहे आप कर सकते हैं। ये देखिए गाइज, ये आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी समिट होने जा रहा है। एक ऐसी समिट होगी जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है? तो इसे आप अटेंड करें, रजिस्टर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक रहेगा, और ये आप जैन 30 और 31 के लिए आपके 2 डेज जो है आपका समिट हो रहा है। और इसमें देखिए स्पीकर्स कौन रहेंगे आपके लिए, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, केला सत्यार्थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस ऑफिसर, अशोक खेमका हैं ये, ठीक है? और हरभजन सिंह को तो कौन नहीं जानता, अजीत रानाडे जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, कुमार विश्वास, अनिल स्वरूप और प्रवीण काशवन जो कि फॉरेस्ट सर्विस में बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है? और ये जो है आपके लिए 70 से भी जो है आपके लिए 70 आइकॉनिक स्पीकर्स होंगे, जहां पर आप अपना डिस्कशंस कर सकते हैं और हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा, ठीक है? और ये कहाँ पर होगा, ये एकदम ऑनलाइन होगा। अपन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पर जाकर जो है ये क्लासेस, ये सेशंस, ये समिट आप जो है अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस ऑसम एक्सपीरियंस। एंड अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है यहाँ पर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर आपको प्राइजेस जीतने का मौका होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? सिर्फ आप अपने टैलेंट के दम पर यहाँ पर प्राइजेस जीत सकते हैं। 7 फेब को जो है टाइमिंग होती है 11 बजे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से जो है डायरेक्ट जा सकते हैं। आपका एग्जाम कैसे होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स होंगे, जो आपका रिलेटिव स्कोर होगा उसके बेस पर आप जीत सकते हैं अमेजिंग प्राइजेस। अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 3 महीने तक का प्लस जनरल स्टडीज का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। तो आप ट्राई इसके लिए जरूर करें, और आप जो है 1000 रुपीज के अमेजन वाउचर्स यहाँ पर जीत सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फर्स्ट फैब से जो है आपके लिए एक और बैच यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, क्योंकि बाकी की सबकी सीट्स फिल हो गई हैं। तो एक फैब से जो है आपके लिए एक और बैच आ रहा है 1 ईयर, ठीक है? 1 ईयर और 2 ईयर एक्सपर्ट बैचेस हैं, एनसीईआरटीज बैचेस हैं प्रीलिम्स के लिए, जो कि फर्स्ट फैब से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद देखिए एक नया इनिशिएटिव यहां पर शुरू हो रहा है, वीकेंड बैचेस आपके लिए लाए जा रहे हैं कंप्लीट। अगर आप 2021 के लिए जा रहे हैं तो वीकेंड बैचेस आपका 6 फैब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जरूर से इसको जो है ट्राई करें। और आइकॉनिक प्राइस हाइक अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसके लिए जाइए, अपने पर्सनल कोच से कनेक्ट होइए, आप मेरा रेफरल कोड से एडमिशन लेते हैं तो आप जो है ठीक है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, तो मैं भी एज ए पर्सनल कोच वर्क करूंगी आपके लिए। ठीक है, और ये देखिए कॉम्बो आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? जनरल स्टडीज और ऑप्शनल के लिए, ठीक है? दोनों, जिसमें जनरल स्टडीज आपका प्री प्लस मेंस कवर कराया जाएगा, ठीक है? और 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, ठीक है? किरण वन रेफरल कोड से। चलिए आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये हमारा आज का मेन टॉपिक था, ठीक है? तो इंडियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, आपको पता है जो इंडियन आर्ट है वो 2 टाइप में क्लासिफाई की जाती है, उसके 2 टाइप्स है। जैसे इंडियन आर्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पर, ठीक है? परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, ठीक है? तो परफॉर्मिंग आर्ट्स वो होती है जिसे परफॉर्म किया जाता है, जैसे डांस हो गया, डांस भी एक आर्ट है, कल्चर का पार्ट है, और म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, थिएटर्स हो गए, ठीक है? जो भी आपकी पूरा बॉलीवुड जो है, ठीक है? तो ये सब परफॉर्मिंग आर्ट है, राइट? उसके बाद होती है विजुअल आर्ट, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है? कोई बिल्डिंग हो गई, लाल किला है, ताजमहल है,
है, इंडिया गेट है, स्कल्पचर है, मूर्तियां वगैरह जैसे नटराज की मूर्तियां चोलास के टाइम पर, इसके अलावा जैसे पेंटिंग्स हैं, है ना, चित्रकला, ये मूर्ति कला और चित्रकला अलग चीजें होती हैं, राइट। तो विजुअल आर्ट जैसे कि जैसे परफॉर्मिंग में डांस, ड्रामा, म्यूजिक आ गया, और आर्किटेक्चर को जैसे स्कल्पचर में और पेंटिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड आर्किटेक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पेस फंक्शनली एंड ब्यूटीफुली, ठीक है। आर्किटेक्चर जैसे टेक्टोन से लिया है, बिल्डिंग मतलब रिलेटेड टू समथिंग बिल्डिंग, ठीक है, जो बनने से संबंधित है। ज्योग्राफी में आपने टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर इस चीज को जो है ये वर्ड यहाँ पर लिया गया है, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग समथिंग, ठीक है, कोई आर्किटेक्चर समथिंग, राइट, कोई बिल्डिंग बनती है। रेलिवेंसी की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो आर्किटेक्चर इज द फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट विच डिपिक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन इंडिया सिंस द स्टोन एज, ठीक है। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो है प्रोग्रेस को दिखाता है कि कैसे स्टोन एज से लेकर जो है मॉडर्न एज तक कितना डेवलपमेंट किया है, कितना प्रोग्रेस किया है। स्टोन एज कहाँ, ये पहाड़ जो है पत्थर की गुफा में रहता था, स्टोन केव्स में रहता था, और कहाँ जो है आज इसने बुर्ज खलीफा बना लिया है कि नहीं, ठीक है। तो स्टोन केव से लेकर जो ड्वेलिंग हाउसेस होते हैं, स्टोन एज से लेकर बुर्ज खलीफा तक की प्रोग्रेस जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन में देखी है, तो ये सब हमें आर्किटेक्चर, ठीक है। आपने सुना है कि आदि मानव ने बुर्ज खलीफा बनाया था या फ्लैट सिस्टम बनाए थे, ऐसा है नहीं। वो क्या करता था, कच्ची मिट्टी से बना लिया, आगे धीरे धीरे कैसे कैसे प्रोग्रेस करी, फिर इंडस वैली पीपल जो कि इतने एक्सपर्ट लोग थे जिन्होंने विश्व की पहली जो है शहरी व्यवस्था बनाई, शहरी सभ्यता हम विश्व को दी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर्किटेक्चर से हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे मेन चीज यहाँ पर, सबसे बड़ी रेलिवेंसी यहाँ पर क्या है कि इट डिपिक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस, राइट। इंडियन आर्किटेक्चर हैज डेवलप्ड टू अ ह्यूज एक्सटेंट फ्रॉम द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन टू स्प्लेंडिड टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस। इंडियन आर्किटेक्चर इज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग अचीवमेंट एट एन इंटरनेशनल, राइट। एंड इट कैन बी क्लियरली प्रिज्यूम्ड दैट इंडियन कल्चर इज रिफ्लेक्टेड थ्रू स्प्लेंडेड आर्कियोलॉजिकल स्टाइल्स एंड द ब्यूटिफुल पैलेसेस, चर्चेस, टेम्पल्स, मॉस्क एंड मेमोरियल्स बिल्ट इन इंडिया। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आर्किटेक्चर में दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है फॉर द रिमार्केबल आर्किटेक्चर फॉर्म, ठीक है। क्योंकि इनके जो किले हुआ करते थे, जो पैलेसेस थे, ठीक है, जो इनके फोर्ट्स थे, और इनका जो ग्रेनरीज थे, कुएं थे, मतलब जो भी था इनके पास, तो जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया था दैट इज रिमार्केबल, और एक अर्बन कल्चर को जो है इन्होंने प्रेजेंट किया है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। इंडियन आर्ट का क्लासिफिकेशन कैसा है? ठीक है, और अगर हम इंडियन आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन करें तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, फॉर्म्स हैं, अलग अलग एज रहे हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम पे कुछ, मिडाइवल पे कुछ, और फिर जो है हमने डेवलपमेंट देखी है मॉडर्न टाइम पर भी अलग से, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एंशियंट इंडिया में कैसे रहे होंगे, हड़प्पन आर्ट की हम बात करेंगे, मौर्यन आर्ट की, पोस्ट मौर्यन आर्ट की, गुप्ता आर्ट की, और साउथ इंडियन आर्ट जहां पर, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो है मिडाइवल इंडिया आ जाता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल यहाँ पर मेनली हम पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न इंडिया जिसमें इंडो गोथिक स्टाइल और रियो नियो रोमन स्टाइल्स, इस पर हम बात करेंगे, राइट।
चलिए ठीक है, हड़प्पन आर्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हड़प्पन आर्ट आपको पता है, इंडस वैली बोला जाए, हड़प्पन आर्ट बोला जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके बारे में मेनली आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, आपको पता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई करी गई थी, एक्सकैवेट, जमीन का उत्खनन हुआ, तो बहुत सारी ऐसी साइट्स निकले थे, बहुत सारी ऐसी जगह निकली थी जिन्होंने मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस हमें दिए थे। तो नो डाउट सैयद हुसैन हादी, वेरी गुड मॉर्निंग, राइट। तो विद एक्सपर्ट टाउन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल्स, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला था, एक्सपर्ट टाउन प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, एंड द वेरी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला था। ये तो ये सब जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल, हड़प्पन स्टाइल की अगर हम बात करें, ठीक है। और इसके अलावा वेल प्लान्ड रोड्स एंड हाउसेस थे, ठीक है, और ये एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे, वेल प्लान करके बनाए गए थे रोड्स, छोटी गलियां, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड स्ट्रीट्स कट ईच अदर ऑन राइट एंगल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था, जिसे आज के टाइम पे सीवरेज व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। एंड इट शोज दैट सोफिस्टिकेटेड एंड हाईली इवॉल्व्ड कल्चर एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, एंड द साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर एक्सकैवेटेड अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश, राइट। इसके बाद चलते हैं, दी हड़प्पन पीपल हैड कंस्ट्रक्टेड मेनली थ्री टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इनका जो आर्किटेक्चर होता था वो तीन तरीके का होता था, ठीक है। तो ये तीन तरीके के जो है बिल्डिंग्स बनाते थे। सबसे पहले ड्वेलिंग हाउसेस, ड्वेलिंग हाउसेस का मतलब होता है रहने के लिए जो स्थान होते हैं, रिहायशी मकान, ठीक है, जो रहने के लिए होते हैं। पिलर्ड हॉल्स, ठीक है, एंड पब्लिक बाथ्स, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, मोहनजोदारो को जो सबसे बड़ा जो है वो पब्लिक बाथ देखने को मिलता है, स्नानागार जिसे कहते हैं, ग्रेनरीज वगैरह भी हुआ करते थे। और मेन फीचर्स हड़प्पन रिमेन्स के क्या हैं, सबसे पहले दिस सेटलमेंट्स कुड बी ट्रेस्ड एज फार एज 3rd millennium BC, चलिए कोई बात नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है जो नदियों के किनारों पर जो है खोजी गई है, उनका जो है नदियों के किनारों पर, दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है, पर्टिकुलरली एट द बैंड्स दैट प्रोवाइडेड वाटर इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस एंड अदर गुड्स, ठीक है, ताकि उनका, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में भी इंडल्ज थे, तो इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, ठीक है, इजीली जो है इनको वाटर मिल सके। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, तो बिना एनसीईआरटी के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। एंड ऑल्सो सम प्रोटेक्शन बाय वे ऑफ नेचुरल बैरियर्स ऑफ द रिवर, राइट। उसके बाद देखिए, सभी की सभी जो साइट्स थी वो वॉल्ड सिटीज थे, मतलब उनका फोर्टिफिकेशन किया गया था, ठीक है, उनके चारों तरफ जो है सिक्योरिटी के लिए क्या करते थे, किलाबंदी करते थे, उनकी फोर्टिफिकेशन करते थे, जो सिक्योरिटी लोगों को देता था, ठीक है, कोई आउटसाइड अटैक ना हो जाए, इन्वेजन ना हो जाए, कोई इन्वेडर ना आ जाए। द सिटीज हैड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न यही होता है रेक्टेंगुलर, यानी कि गलियां और सड़कें एक दूसरे को जो है 90 के कोण पर काटते हैं, ये होता है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल यही होता है, ठीक है। तो ऐसा तभी होता है जब प्लान करके चीजें करी जाए, राइट। उसके बाद देखें, इंडस वैली पीपल यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट जो है पक्की जो थी मिट्टी की जो ईंटे थी उनको एक बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज करते थे, जैसे आज मॉडर्न टाइम पे होता है, ठीक है। और देयर इज एविडेंस ऑफ बिल्डिंग ऑफ बिग डाइमेंशंस, ठीक है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस सेंटर्स होते थे, पिलर्ड हॉल्स होते थे, कोर्ट यार्ड्स होते थे, ठीक है, लेकिन टेम्पल्स का जो है यहाँ पर कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। और पब्लिक बिल्डिंग्स में जो है यहाँ पर ग्रेनरीज है ना, बड़े बड़े अन्नागार, क्योंकि सरप्लस में
ये प्रोडक्शन करते थे तो सारा का सारा तो ये कंज्यूम नहीं कर सकते थे, तो इन केस इमरजेंसी में यूटिलाइज करने के लिए क्या करते थे, अनाज को, फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे और उसको उसे स्टोरे करने के लिए गोडाउन टाइप जैसे बनाता है, जैसे आज के टाइम पे हमारा, ठीक है, पीडीएस, राइट। तो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर होता था, विच वर यूज टू स्टोर ग्रेन्स विच गिव एन आइडिया ऑफ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। इसके बाद चलते हैं लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स के साथ साथ जो है एक एविडेंसेस ये भी मिला है कि देर वर समाल वन रूम कंस्ट्रक्शन दैट अपीयर टू बी वर्किंग पीपल क्वार्टर्स, राइट। एंड द हड़प्पन पीपल वर ग्रेट इंजीनियर्स। इंजीनियर कैसे थे, मतलब उस टाइम पे भी लोगों ने बीटेक करी हुई थी। दे वर ग्रेट इंजीनियर्स एज अ एविडेंट फ्रॉम पब्लिक बाथ दैट वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, ये आपको पता ही है। एंड द ग्रेट बाथ एज इट इज कॉल्ड इज स्टिल फंक्शनल एंड देर इज नो लीकेज और क्रैक्स इन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सोचिए, यू कैन इमेजिन द आर्टिस्टिक और इंजीनियरिंग स्किल ऑफ दीज पीपल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट हैपेंस व्हाट अपीयर्स टू बी अ पब्लिक बाथिंग प्लेस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक बाथ। ये लोग हाइजीन बहुत हुआ करते थे, है ना, साफ सफाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। इसीलिए क्या करते थे, ये कोई भी काम करने से पहले पब्लिक, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए इनका, जैसे आज के स्विमिंग पूल होते हैं तो कुछ इस तरीके का, क्योंकि क्लीनलीनेस इनके कल्चर में बहुत ज्यादा था। ये कोई भी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज करते थे तो जो है ना ये क्लीनलीनेस, हाइजीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। और प्राइवेट वेल्स और बाथरूम्स, ठीक है, तो प्राइवेसी को भी ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, राइट। और इसके अलावा चलिए, कुछ साइट्स ऐसी भी थी जहां पर सिटेडल जो है बना हुआ था। सिटेडल का मतलब होता है जैसे कोई, जैसे मान लो ये शहर बसाना है तो इसके हाफ पार्ट को जो है ईंटों से बना कंस्ट्रक्ट करके जो है एक एक रेज्ड प्लेटफॉर्म टाइप समथिंग, रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। तो ये उठा हुआ उभरा हुआ पार्ट जिसे सिटेडल कहते हैं, दुर्ग जिसे बोला जाए, ठीक है, अमीर लोग के घर होते थे। फिर जो ये एक लोअर पार्ट होता था नॉन सिटेडल, ठीक है, ये लोअर पार्ट होता था, यहाँ पर आर्टिस्टिक काम, कॉमन सिटीजनरी के लिए मकान बनते थे, राइट। तो बेटे स्ट्रेटजी सेशन सोच रही हूं मैं, कोई स्ट्रेटजी सेशन अगर लूंगी उसी में बता पाऊंगी। अभी तो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं तो अभी मैं आपको कैसे यहाँ पर बता पाऊं बेटा, कैसे आप टैकल आउट करोगे, या तो आप लास्ट तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्लास का। ठीक है, मैंने स्ट्रेटजी सेशन लिए हुए हैं, आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पर जाइए और वहां पर मेरे मॉडर्न इंडिया के, वर्ल्ड हिस्ट्री के और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के जो है काफी सारे वीडियोस हैं, तो मैंने वहां पर स्ट्रेटजी डिस्कस करी हुई है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और मैंने कोर्स को सारा कराया भी हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं, राइट। तो एट सम साइट्स डोमिनेंट सिटेडल, सिटेडल और नॉन सिटेडल मैंने बता दिया, सिटेडल होते थे जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पर थे, राइट। और दिस कैन परहैप्स बी ट्रीटेड एज एविडेंस ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी रूलिंग, ऐसा होता होगा जैसे एक तरीके से रेज्ड प्लेटफॉर्म, जैसे पॉश एरिया आज के टाइम पे होता ना, सेक्टर पॉश एरियाज हो गए, तो कुछ उस तरीके का, ठीक है। एंड देयर इज एविडेंस आल्सो ऑफ फोर्टिफिकेशन विद गेटवेज, तो फोर्टिफिकेशन भी होता था ताकि सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, ठीक है, और कोई बाहरी अटैक से जो है फियर ना रहे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का। इसके अलावा देखिए, हड़प्पन्स हैड द नॉलेज एंड स्किल ऑफ स्कल्पटिंग एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो मूर्ति कला भी थी, आपने देखा होगा एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है यहाँ पर मिला है डांसिंग गर्ल का मोहनजोदारो से, राइट। तो वो भी अपने आप में कल्टीमेट एग्जाम्पल है इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का, ठीक है। ए टेराकोटा फिगर ऑफ ए मेल इन योगिक पॉस्चर दैट हैज बीन एक्सकैवेटेड, है ना, जिसे आदि जो इनके मेल गॉडेस थे, फीमेल गॉडेस थे जिनकी ये पूजा करते थे, रिलीजियस एलिमेंट्स था, बट जो हड़प्पन सोसाइटी थी ना वो सेक्युलर थी, ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं था कि ये हिंदू था, बुद्धिज्म था, राइट। ब्यूटीफुल पर्सनल ऑर्नामेंट्स, सॉफ्ट स्टोन सील्स, है ना, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आजकल
लड़के और लड़कियां पहनते हैं, तो ये उस टाइम पे काफी डेवलप्ड थी, विद ए पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, है ना। हम्ड बुल्स, पशुपति, यूनिकॉर्न हैव ऑल्सो बीन एक्सकेविटेड। तो ये सब इनका जो है कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, जो उस टाइम की इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाता है, इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, इनके आर्किटेक्चरल स्किल्स को यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट था, समझ सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं 6th सेंचुरी BC जब आता है इंडिया, क्योंकि जो इसके बाद जो वैदिक एज आता है बेटा, वैदिक एज आपको पता है घास फूस के जो है कॉटेज होती थी, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर, ये जो एज है वो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंशियंट टेक्स्ट डेवलप हुआ था, ज्ञान यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेदों की रचना हुई थी, तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से राइटिंग आई थी वैदिक एज से, और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक एज को जो है इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि कुछ इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वैदिक एज जनरली रूरल एज मानी जाती है। लोग जो है चराहे चरवाहे थे और जो है वो घूमते रहते थे, ठीक है, पशुओं को चराते थे, तो ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी। जनरली लोग जो है वो घास फूस के घरों में रहते थे, जिसका आज कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तो 6th सेंचुरी BC यानी कि लेट वैदिक एज के बाद, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वो एक सिग्निफिकेंट फेज है हमारे देश की हिस्ट्री में। एंड देयर अरोज टू डाइम रिलीजन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, दो रिलीजन, एंड जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। वैदिक एज में हिंदुइज्म, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म देखने को मिला, और जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिले थे, जिसने एक बहुत बड़ा चेंज जो है लाया था हमारे देश की हिस्ट्री में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसने आर्किटेक्चर के स्टाइल्स में एक एक नई डेवलपमेंट लाई है। एंड द बुद्धिस्ट स्तूपाज वर बिल्ट एट प्लेसेस। तो जब इन्होंने अपने रहने के लिए कुछ बनाना चाहा, तो वो भी एक बिल्डिंग का ही फॉर्म होता है। तो बुद्धिस्ट स्तूपाज यहाँ पर बनाए गए अलग अलग प्लेसों पर, जहां पर बुद्धा के रिमेन्स वर प्रिजर्व, जहां पर इनके अवशेष रखे गए। एंड एट द मेजर साइट्स वेयर इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन बुद्धाज लाइफ टुक प्लेस। स्तूप जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हुआ करते थे। स्तूप वर बिल्ट of huge mounds of mud and closed in carefully burnt small standard bricks, right? इसके बाद चलिए आप, and these became important sites for Buddha's order of monks and nuns, the Sangha, जो संघ होते थे, जिसमें इनके भिक्षु और भिक्षुणी जो होते थे, मतलब इनके जो followers होते थे, right? Monasteries बनती थी, यानी कि विहार, विहार कौन होते थे? Residential places, ठीक है? एंड सेंटर्स ऑफ प्रीचिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, जहां पर ये प्रेयर करते थे, वो होते थे कॉन्ग्रीगेशनल चैत्यास। चैत्यास क्या होते थे? प्रेयर हॉल्स। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। तो स्तूपाज होते थे जो चैत्यास और विहारा, जो कि बेसिकली रॉक कट केव्स होती थी। तो स्टार्टिंग में गुफाओं को काट कर जो है बनाया जाता था, तो वो भी आज भी एग्जिस्टेड, एग्जाम्पल मिलते हैं, इनके एविडेंसेस हैं, आज भी हैं ये चीजें। अजंता एलोरा की गुफाएं तो आज भी हैं, आप उनको देख सकते हैं, राइट। तो विहार और चैत्यास, ठीक है, जो टीचिंग और जो है इंटरेक्शन होता था कॉमन पीपल और मॉन्क्स आपस में बैठकर डिस्कशन करते थे। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीजें मेनली डेवलप हुई थी बुद्धास के टाइम पर, वो हुई थी विहारा, जो कि रेजिडेंशियल प्लेसेस हुआ करते थे, ठीक है, जहां पर ये लोग रहते थे, और चैत्य वो प्लेस होते थे जहां पर ये प्रेयर करते थे, अपना रिलीजियस डिस्कशन करते थे, और जहां पर ये आम लोगों के साथ डिस्कशन करते थे, राइट। एंड फ्रॉम नाउ ऑन रिलीजन बिगेन टू इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर, और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ने जो है बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस काफी देखने को आर्किटेक्चर पर मिला। किस तरीके की मूर्तियां बनी, किस तरीके की बिल्डिंग्स बनी, किस तरीके का जो है आवा रहने का आवास स्थान होते थे, कैसे प्रेयर हॉल्स होते थे, टेम्पल्स कैसे होते थे, तो ये सब चीजों को जो है इस रिलीजन ने, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने काफी इन्फ्लुएंस किया है। तो अर्ली जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इंडिया में डेवलप हुई है, उन पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिला है।
सिक्स सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स, ठीक है। व्हाइल बुद्धिस्ट एंड जैन बिगैन टू बिल्ड स्तूप, स्तूप बने विहार और चैत्यास, तो ये स्तूपाज, विहाराज और चैत्यास ये हुआ करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पर आर्किटेक्चर की फॉर्म, ठीक है। जैसे वहां पर थे ग्रेनरीज, ड्वेलिंग हाउसेस हड़प्पन कल्चर में, ठीक है, और ये आपके बाथिंग, राइट। तो यहाँ पर होते थे स्तूप, विहार और चैत्य, ये आप याद रखेंगे। तो जब ये रिलीजन हुए थे तो उस टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी, तो मौर्यंस डायनेस्टी ने जो है इनको काफी पैट्रोनाइज किया है, उनके लिए बनवाई भी है। आपको एक मौर्यन रूलर थे अशोक का पोता दशरथ, उसने जो है बहुत सारे विहाराज और चैत्यास का निर्माण करवाया, ठीक है। एंड द फर्स्ट टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्टेड ड्यूरिंग गुप्त रूल, ठीक है। तो इसको आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मौर्यन आर्ट की, ठीक है। तो मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने आर्किटेक्चर को डेवलप किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा हड़प्पन कल्चर के बारे में, ठीक है, या फिर हमने पढ़ा जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया तो कौन से कंस्ट्रक्शन, स्तूपाज आए, और जो है यहाँ पर चैत्याज और विहाराज, रॉक कट केव्स बेसिकली, क्योंकि गुफाओं में ही बनते थे। जो पहाड़ी है जैसे कहीं पर, उसी को काट कर जो है उनके लिए रहने के लिए जगह बना दी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहा था। तो अब फाइनली हम लोग मौर्यन आर्ट की बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मौर्यंस हुआ करता था, मगध एम्पायर था, मगध एम्पायर में जो है उसके बाद मौर्यंस स्टैब्लिश होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको एस्टैब्लिश किया था, राइट। तो मौर्यन आर्ट जो है एक इम्पोर्टेंट फेज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ये भी इम्पोर्टेंट फेज है, जैसे सिक्स सेंचुरी बीसी था, ये भी इम्पोर्टेंट फेज है जो कि मौर्यन पीरियड से स्टार्ट होता है। सो ऑब्वियसली एंड द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ मौर्यंस, तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मौर्यंस एंड न्यू रिलीजियस कॉन्शियसनेस लेड टू अचीवमेंट्स इन फील्ड। मेगास्थनीज के बारे में आपने देखा होगा, मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और मौर्यन और मौर्यन कोर्ट में आए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पैलेसेस थे, राजमहल थे, उनको ह्यूमैनिटी के लिए एक एक्सीलेंट माना है कि मानव इतिहास में एक्सीलेंट एक्सीलेंस का एक रिमार्केबल मार्क है वो, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट माना है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि जो पैलेसेस थे जैसे कुम्राहर पैलेसेस थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के, तो वो अपने आप में अल्टीमेट थे, और उस टाइम पे बिल्डिंग मटेरियल जो हुआ करता था वुड का, हालांकि अब ये एग्जिस्ट नहीं है, ये सिर्फ हमें मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, वहां से हमें पता चलता है कि पैलेसेस जो होते थे, क्योंकि इन पैलेसेस पर जो है वो पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस, ठीक है, जिसे इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट मौर्यन पीरियड जो कि 322 से लेकर 182 बीसी तक है, और स्पेशली अंडर द पैटर्नेज ऑफ अशोका आर्किटेक्चर, आपको पता है इसने क्या क्या बनवाए थे, पिलर्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें, तो ये सब आर्किटेक्चर का ही पार्ट था, ठीक है। तो पिलर्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर सो ए ग्रेट एडवांसमेंट। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिपिक्टेड, अब यहाँ पर देखिए मौर्यन आर्ट, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म था तो स्तूपास थे, चैत्यास थे, विहाराज थे, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखिए आप डिपिक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड ग्रीक्स, क्योंकि जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था तो वो कुछ अपने साथ जो इस तरीके की चीजें लेकर आए थे, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजमहल बने थे उन पर जो है पर्शियन और ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने को यहाँ पर मिला था। और अशोक के शासनकाल में मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स बनते थे, मतलब एक ही पत्थर का टुकड़ा होता था, उसी से पिलर बनता था, और जिस पर धम्म की टीचिंग्स को जो है लिखा जाता था, उन पर इंस्क्राइब किया जाता था, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके से जो ये पिलर्स बनते थे ना, जो अशोक के टाइम पे पिलर्स वगैरह बनते थे, जैसे आज की गवर्नमेंट है, उस टाइम पे अशोक की गवर्नमेंट थी, तो वो क्या करते थे, जैसे एड टाइप समथिंग, जैसे आज एड आता है, आप टीवी पे एड देखते हैं, आजकल तो सब कुछ जो है टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी की एज है, एक मिनट में ही आपके पास दूर देश,
विदेशों की, ग्लोबलाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास एक सेकंड में आ जाती है, उस टाइम पे क्या होता था, कुछ इस तरीके कम्युनिकेशंस के साधन नहीं होते थे, तो पिलर्स इंस्क्रिप्शन लिखवाए जाते थे, जगह जगह पर पिलर्स स्तंभ लगाए जाते थे, उन पर सरकार के आदेश लिखे जाते थे, आपको ऐसा करना है नहीं करना है, तो जिसको लोग पढ़कर पता चलता था कि अच्छा अब ये जो है यहाँ पर ठीक है बच्चा पार्टी। तो एक तरीके से जो ये पिलर्स होते थे, जैसे राजा ने कोई विजय पाई या उसका कोई आदेश पब्लिक तक जाना है तो पिलर्स पर लिखवा दिया जाता था, ठीक है, या कोई भी नहीं, मतलब एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। सिलोन कैपिटल ऑफ सारनाथ, आपको पता ही है, जिसे आज इंडियन रिपब्लिक का राज चिन्ह एम्बलम के रूप में जो है उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये तो पता ही है, ठीक है, जो अशोक ने बनवाया था सारनाथ पिलर, तो वो हमने आज अडॉप्ट किया है। तो मैंने पिक्स इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये सारी चीजें पता होती हैं, और आपने देखा होगा कि ज्यादातर पिक्स वगैरह लगा के कभी कभी चलता है, लेकिन ज्यादातर जो है पिक्स ठीक नहीं होती है, क्योंकि यूपीएससी इज जस्ट अबाउट राइटिंग। तो आप जो है यहाँ पर
राइट गाइस, चलिए अब सुपास की बात करते हैं हम लोग। चलिए अपने सांची के स्तूप, सारनाथ सिंबल्स जो कि मौर्यन आर्किटेक्चर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनके बारे में तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो द गेटवेज, सांची स्तूप है ना, ये सब तो देखा है आपने, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीक एंड इंडियन आर्ट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ गंधार आर्ट।
सुषमा नांदल, वेरी गुड मॉर्निंग सुषमा। नथिंग बच्चा, पार्टी। सो ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीक एंड इंडियन आर्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गंधार आर्ट विच डेवलप्ड लेटर। ठीक है, तो गंधार और इंडियन आर्ट का जो है ब्लेंडिंग, जिसे गंधार आर्ट कहा जाता है, मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगी। बेसिकली स्कल्पचर के तीन स्टार्टिंग वाले स्कूल डेवलप हुए थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, मथुरा, अमरावती और गंधार। ठीक है, ये हुआ था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और ये हुआ था, ये भी नॉर्थ इंडिया में ही, और ये साउथ इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, बेसिकली बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज, इमेजेस बनाई गई थी, और आर्टिस्ट जो होते थे उन्होंने सबसे पहले जो है कुषाणों ने जो पेट्रोनाइज किया था वो यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, और अंडर द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट लाइफ लाइक स्टेच्यू ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास वर मेड इन द लाइकलीनेस ऑफ ग्रीक गॉड्स। ठीक है, और आर्किटेक्चर भी जो है, आइडियाज, जो इंस्पिरेशंस और सब्जेक्ट्स थे वो सब इंडियंस की तरह ठीक है यहाँ पर देखते थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं गुप्ता पीरियड आर्ट। ठीक है, जो गुप्ता पीरियड थी उसके आर्ट पर चलते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल्स। गुप्त के टाइम पर जो फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल्स थे वो स्टार्टिंग यहाँ पर होती है। एंड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द टेम्पल एट देवगढ़। कल ही मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, और एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द टेम्पल एट झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देवगढ़ यूपी में, और जहां पर एक सेंट्रल श्राइन है, गर्भगृह है ना, पंचायतन स्टाइल होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं गुप्त आर्किटेक्चर में, केव आर्किटेक्चर यहाँ पर हुआ था गुफाओं को काटकर। द डेवलपमेंट ऑफ केव आर्किटेक्चर इज अनदर यूनिक फीचर एंड मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। मोर देन 1000 केव्स हैव बीन एक्सकैविटेड बिटवीन 2nd सेंचुरी BC एंड 10th सेंचुरी AD। फेमस एमोंग दीज वर अजंता एंड एलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र एंड उदयगिरी केव्स ऑफ ओडिशा। These caves hold Buddhist viharas, chaityas as well as mandaps and pillared temples. ठीक है, तो ये सब केव आर्किटेक्चर में हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रॉक कट केव्स, यानी के गुफाओं को काटकर जो टेम्पल्स बनाए गए थे। टेम्पल्स वर ह्यूज रॉक्स। ठीक है, जो बड़ी पहाड़ टाइप होता है उसको काटकर। एंड द अर्लिएस्ट रॉक कट टेम्पल्स वर एक्सकैविटेड इन वेस्टर्न डेक्कन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ क्रिश्चियन इरा। एंड द चैत्यास एट कार्ले विद फाइन हाई हॉल्स एंड पॉलिश डेकोरेटिव वॉल्स इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। एंड द कैलाश टेम्पल आप एलोरा में देख सकते हैं, जिसे राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। रथ टेम्पल महाबलीपुरम, जिसे पल्लव शासकों ने बनवाया था। ठीक है, तो ये सब रॉक कट टेम्पल्स के जो है एग्जाम्पल हैं। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल जो गुप्तास के टाइम पर बनाए गए थे, ये पंचायतन स्टाइल पर है। कल मैंने आपको सारे के सारे स्टाइल पढ़ाए थे, तो वो वीडियो एक बार आप जरूर से देख लें। राइट, एंड द टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी बिगान ड्यूरिंग गुप्त रूलर। तो गुप्तास के टाइम पर जो है, क्योंकि ये जो है इन्होंने हिंदुइज्म को काफी पैट्रोनाइज किया था। राइट, और साउदर्न इंडिया में देखिए आप, पल्लव, चोल, पंड्यास, होयसाल एंड लेटर द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वर ग्रेट बिल्डर्स ऑफ टेम्पल्स। एंड द पल्लव रूलर्स बिल्ट द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। एंड पल्लवाज वर ऑल्सो बिल्ट अदर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स लाइक कैलाशनाथ टेम्पल एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। एंड द चोलास बिल्ट मेनी टेम्पल्स, मोस्ट फेमस बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर। कल मैंने आपको सारे के सारे ये पढ़ाए भी हैं, एक बार आप देख लीजिएगा उनको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं मेडाइवल पीरियड आर्किटेक्चर में, जिसमें दो मेनली हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल। राइट,
है। सो जस्ट कमिंग विद इन 1 मिनट बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। मेडिवल पीरियड आर्किटेक्चर की बात करने वाले हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। आपको पता है दिल्ली सल्तनत में भी आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था विद द अराइवल ऑफ तुर्क्स। तुर्क्स कौन थे बेसिकली? अरेबियंस, तुर्क्स, मुस्लिम्स। During 13th century came a new technique of architecture, the architecture styles of Persia, Arabia and Central Asia. The engineering features of these buildings were the domes, arcs and minar, right? And the palaces, mosques and tombs built by the rulers had these features which were blended with the features of the indigenous architecture.
एंड अ न्यू सिंथेसिस इन आर्किटेक्चर वाज अचीव्ड। ठीक है, आपको पता है स्टार्टिंग वाले भी जो है किस तरीके की इनकी आर्किटेक्चर थी। ठीक है, द अर्लिएस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस पीरियड इज कुवतुल इस्लाम ऑफ मोस्क एट दिल्ली, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, है ना। ये पहले क्या हुआ करती, अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो वहां पर पहले एक जैन और विष्णु टेम्पल हुआ करता था, उसको तोड़ के रात रात में इन्होंने कुवतुल इस्लाम जो है मस्जिद बना दी थी। आज भी आप जाकर देखना इस जो है मॉस्क में, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, वो प्लेटफॉर्म घूमने वाला, ठीक है, कुतुब मीनार के पास, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है आज भी देवी देवताओं, क्योंकि विष्णु टेम्पल था ना, तो देवी देवताओं की मूर्तियां आपको जो है वहां पर पिलर्स पर जो है देखने को मिल जाएंगी। हालांकि वो पूरा कोशिश करी गई थी कि उनको वो जो है पूरा ड्राई कर दिया था उनको, राइट, झाड़ के उनको जो है पूरा उनकी, राइट, तो कुतुब मीनार में जो है, और कुतुब मीनार बनी थी जो कि 70 मीटर जिसकी हाइट है, टेपरिंग टावर है जिसकी 4 स्टोरीज है, 4-5 मंजिला है, ठीक है। एंड देयर वर ब्यूटीफुल एनग्रेविंग्स ऑफ कैलीग्राफी, ठीक है, तो काफी अच्छी उस पर जो है वो कैलीग्राफी की गई है, बोथ इन मोस्क एंड ऑन टावर। एंड मेनी अदर बिल्डिंग्स वर लेटर कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुव्वतुल इस्लाम मोस्क को जो है एनलार्ज किया था, एंड बिल्ट ए गेटवे टू द एनक्लोजर ऑफ मोस्क, गेटवे बनाया था जो अब टूटा हुआ है, आपने देखा होगा। एंड दिस गेटवे इज कॉल्ड द अलाई दरवाजा, ठीक है, एक अलाई दरवाजा वहीं बना हुआ है। ब्यूटीफुली आर्किटेक्चरल डिजाइंस जो है आज भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दी टॉम्ब ऑफ मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, एंड द फोर्ट्स ऑफ तुगलकाबाद आर सम एग्जांपल्स। दाउ देयर बिल्डिंग्स वर नॉट ब्यूटीफुल बट हैड वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्स, मैसिव एज वेल एज इम्प्रेसिव। एंड ड्यूरिंग द अफगान रूल द टॉम्ब्स ऑफ इब्राहिम लोधी एट दिल्ली एंड शेरशाह टॉम्ब एट सासाराम वर बिल्ट। एंड द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड वर ऑल्सो शोज हाउ इंडिजीनस स्टाइल्स वर अडॉप्टेड एंड यूटिलाइज बाई बिल्डर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो कुछ रीजनल किंगडम थे, ठीक है, तो रीजनल किंगडम के जैसे विजयनगर बहमनी, बहमनी जो किंगडम था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल किंगडम्स इन बंगाल, गुजरात और दक्कन, इन्होंने भी अपनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई थी, जैसे जामा मस्जिद, द सदी सैयद मोस्क एंड द शेकिंग टॉवर्स एट अहमदाबाद। ठीक है, इस आर्किटेक्चर के काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, बहमनी एम्पायर, बहमनी सुल्तान्स बोरोड फ्रॉम द स्टाइल्स ऑफ पर्शिया, शीरिया, टर्की एंड द टेम्पल्स ऑफ साउदर्न इंडिया। एंड द जामा मस्जिद एट गुलबर्ग इज क्वाइट वेल नोन, एंड द कोर्ट यार्ड ऑफ दिस मोस्क इज कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ डॉम्स एंड इज द ओनली मोस्क इन इंडिया विच हैज कवर्ड कंट्री यार्ड, राइट। ठीक है, तो ये सारे आज के थे। और मुगल्स के टाइम पे तो आपको पता ही है, एडवेंट ऑफ मुगल्स, ठीक है, आर्किटेक्चर में एक नया इरा, जैसे कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, सात अजूबों में ताजमहल है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, एंड द सिंथेसिस ऑफ द स्टाइल विच बिगेन अर्लियर रिसर्च जेनिथ ड्यूरिंग दिस टाइम, आर्किटेक्चर ऑफ अकबर स्टाइल स्टार्टेड ड्यूरिंग अकबर्स रूल, फर्स्ट बिल्डिंग हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली, एंड इन दिस मैग्निफिकेंट दिल्ली बिल्डिंग रेड स्टोन वॉल वाज यूज्ड एंड इट हैज अ मेन गेटवे एंड द टॉम्ब इज प्लेस्ड इन द मिडस्ट ऑफ गार्डन, मेनी कंसीडर इट प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल। और ये देखिए, कुछ अकबर ने जो है आगरा और फतेहपुर सिकरी में फोर्ट्स बनाए, बुलंद दरवाजा रिफ्लेक्ट्स द ग्रैंडियर ऑफ माइटी मुगल एम्पायर, दिस बिल्डिंग वाज मेड फॉलोइंग अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात, द आर्क ऑफ बुलंद दरवाजा इज अबाउट 41 मीटर हाई एंड इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोजिंग गेट इन द वर्ल्ड।
गुजरात की विजय के बाद इसे बनाया था। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके लिए पूछा गया। एंड द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, पैलेस ऑफ जोधाबाई, इबादत खाना, बीरबल हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स फतेहपुर सिकरी में, पर्शियन और इंडियन एलिमेंट्स, ठीक है, इसे जो है पर्शियन स्टाइल्स कहा जाता है, जिसमें कुछ इंडियन एलिमेंट्स भी था। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, अकबर्स म्यूजियम वाज कंस्ट्रक्टेड इट सिकंदरनी। जहांगीर के टाइम पे आपको पता है पेंटिंग जो थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। एंड ही बिल्ट द ब्यूटीफुल टॉम्ब ऑफ एतमाद दौला, ठीक है, वाज बिल्ट एंटायरली ऑफ मार्बल। शाहजहां वाज द ग्रेटेस्ट बिल्डर अमंग दिस टॉम्ब। अब ये तो पता ही है आपको शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है। ठीक है गाइस, तो आज का क्लास, कल जो है मैं आपका मैराथन सेशन लूंगी, ठीक है, कल मैराथन सेशन में जो है हम लोग करेंगे। तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें बच्चा पार्टी, और ये मेरा रेफरल कोड है, आप जरूर से जाएं, जरूर से आप ट्राई करें सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, और कल मैं आपका मैराथन सेशंस लूंगी, ठीक है, पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।